हिंगना के भीमनगर स्थित कबाड़ी की दुकान में शाम 5:30 बजे आग लग गई। इसकी वजह कबाड़ी वाला अपनी दुकान के बाजू में कचरा जला रहा था। रोजाना लोगों का कहना है कि कबाड़ी की वजह से ही दुकान में आग लगी है, मगर दुकानदार का कहना है कि आग कैसे लगी मुझे पता नहीं। कबाड़ी की दुकान का 2 से 2.5 लाख का नुकसान हुआ है, साथ ही केपी ऑटोमोबाइल गैरेज उनका भी 1.5 से 2 लाख का नुकसान हुआ है। आग की वजह पता नहीं चल पाई है। MIDC पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। अब किसका नाम ले खाला, इतना सारा नुकसान हो गया हमारा, बोले तो बोले किसका नाम बताए। 2-2.5 लाख रुपये का माल था हमारा और हमने देखे भी नहीं, यहाँ पे रहते भी नहीं, दरवाज़ा बंद रहता है। 5:30 बजे की घटना है शाम को, जब बुआ निकलने लगा तब पता है लोग बहन में क्या रहता हो गया। दुकान बंद थी, हम लोग क्या रहते भी बंदी बहर वाला, ये रद्दी पेपर रद्दी पेपर। कितने का नुकसान हुआ आपका? 2-2.5 लाख रुपये का नुकसान है लगभग, और अभी स्टेट अप गया उसको बनाने लगेंगे 2-3 लाख रुपये। बाजू वाले का नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ उसका भी, बता रहा था बताया तो जला करके वो लपेट से, इधर वाले को भी। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, हिंगना।